हेलो गाइस, वेलकम बैक। क्या हालचाल, आई होप अच्छे होंगे। सुबह वाले एपिसोड में हमारा सबसे प्यारा दोस्त डगन सबसे बड़ा गद्दार निकला। कमाल हो गया यार, कल तक लुंगी थी आज रुमाल हो गया, मतलब बुरा हो गया। क्या कमाल के होते हैं बंदे। अच्छी बात तो ये, मतलब अजीब बात तो ये है कि इतना अच्छे से बिहेव करते हैं यार, जैसे मानो ये हमारे लिए जान दे देंगे, और पता थोड़ी चलता है कि हमारी जान ले लेंगे, अंदर ही अंदर जान निकालने का प्लान बना रहे थे यार। तो डगन तो बहुत बड़ा फ्रॉड निकला, जो कई सालों से मेरे को मारने का और स्पेशली कुछ ऐसी चीज पाने का प्लान बना रहा है, जो पता नहीं क्या कर सकती है चीजें और क्या नहीं, और वो कर भी चुका है। देखते रहिएगा एपिसोड्स अभी आने वाले, एक दो एपिसोड के बाद में डगन के एक्सपेरिमेंट्स देखेगा आप लोग। डगन तो इतने नेक्स्ट लेवल का इंसान लगेगा अभी आपको कुछ दिन में, क्या बोलोगे यार। डगन ने दिल खुश कर दिया, जनरल के पास पहुंच गया था। मैंने उसको आकर सारी बात बोल दी कि भैया डगन से मेरा कुछ लेना देना नहीं है, कभी तुम लोग उसको मेरी वजह से छोड़ दो, वो मेरा दोस्त नहीं है, उसने मुझे धोखा दिया है, इसलिए कहीं पर भी डग्गू भैया अगर तुम्हें दिखे तो देखते उसको पकड़ लो और मेरे पास ले आओ, वो गद्दार है। आर्मी को मैंने समझा दिया, बंदे बोल रहे ठीक है ड्राइवर सर, चिंता मत कीजिए हम देख लेंगे। तो ठीक है, चलिए भाई मामला सेट हो चुका है, अभी कोई भी दिक्कत नहीं है। डगन भैया एक बार मिल जाए उसके बाद हम छोड़ेंगे नहीं। ड्राइवर मेरे प्यारे लाल, फटाफट सब एक काम कर, जल्दी से आइलैंड पर निकल। मुझे बताया जा रहा है कि आइलैंड पर ही बहुत टाइम पहले डगन भैया देखे गए थे, उसका बेटा भी तो है ना एक, उसी हिसाब से देखते सारी सारी चीज़ें। ड्राइवर भैया की बोतल बीच में आ गई, अवे एक लेवल। हेलो जी ड्राइवर भैया जी, ऐसा लग रहा है पीछे से आग छोड़ते जा रहे हैं। तो ठीक है चलिए भाई, फिलहाल आइलैंड पर निकलते हैं। यही इन्फॉर्मेशन मिली है कि जहाँ पर भी वो मिल सकते हैं, बेटा भी है उसका, एक बार उसको बेटा मिल जाएगा ना मेरे को, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ आसान हो जाएगी मेरे हिसाब से। ब्लैकमेल करके उसको बुला सकते हैं ना, देख लेंगे जैसा भी है। ड्राइवर भैया निकलिए, जगह पर पहुंच गया हूँ मैं भाई। अब कहने की बात ये है कि खाली लग रहा है पूरा का पूरा एरिया। यहीं पर बोला गया था मेरे कॉलेज ने, बोला कि यहाँ पर जाकर चेक कर लो ड्राइवर सर, क्योंकि यहीं पर हमारा प्यारा डग्गू हो सकता है। अब हो सकता है और होने में काफ़ी चीज़ का फर्क हो जाता है। तो ड्राइवर भैया ज़रा इसमें गोली मारिए। नहीं भाई कुछ नहीं हुआ, मेरे बेटे कुछ भी नहीं हुआ, शॉट गन छोड़ो, मिनी गन निकालो। चाची जी फटी क्या आप? नहीं 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 भाई, मैं जरा से गुब्बारे को फाड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कपड़ा जो है ना फट गया क्या मेरे भाई? नहीं, ये नाम का ही है, काम का नहीं है, मतलब कि वो शो के लिए है, इसमें गोली असर नहीं करेगी। तो ठीक है चलिए एक बार मेंशन में जा कर के और चेक कर लेते हैं, क्योंकि मेरे को लगता है मेंशन में क्या पता मिल जाए। और यहाँ पर खेती भी होती है, फर्स्ट टाइम देखी मैंने, क्योंकि मैं उड़ करके आ रहा हूँ तो मेरे को ऊपर से दिख गई। यहाँ पर तो खेती भी हो रही है भाई, वीड उगा कर रखी है, ये वीड है शायद से। और भाई इस आइलैंड पर खुले में चरस गांजे का धंधा हो रहा है यार, ये तो सही है बिल्कुल, बहुत बढ़िया, इतना इल्लीगल काम कर रहे हैं सच्ची में, चरस गांजे का धंधा कर रहे हैं ये बंदे। अफीम उगाई जा रही है, किसका आइलैंड है ये? डगन बेटा तो ये काम भी करता है। चलिए ठीक है, अपना मेंशन किस तरफ पड़ने वाला है, इस तरफ पड़ेगा होगा, ठीक है मेंशन में जाके देखते हैं। दोनों बापू बेटा है नहीं है, एक बार मिल जाए तो अपना काम हो जाएगा। ड्राइवर भैया लैंड कराइए बढ़िया करके। ओके बढ़िया लगन बेटा, बाहर आ जा, देख ट्रेवर पापा आया आशीर्वाद ले ले, उसके बाद बता दे तूने ऐसा क्यों किया, क्यों आखिर तू मेरे इतने सालों से पीछे पड़ा हुआ है, क्यों तूने धोखा दिया, कभी तो मरने का ड्रामा करता है, कभी तो अंदर वायरस घुसवाने का ड्रामा करता है, तू क्या पागल बना रहा है मेरे को, तेरा तो मैं नेता बना दूंगा बेटे, तेरा मैं नेता बना दूंगा। ट्रेवर आगे निकल, कुछ नहीं है भाई, पूरा आइलैंड खाली पड़ा हुआ है, आइलैंड कुछ नहीं है, ना मेंशन में, ना यहाँ पे, ना वहाँ पे, सिंगल एक एनिमल भी नहीं है यहाँ पर, तो कोई डोगी शोगी भी नहीं है, मतलब कुछ नहीं है यहाँ पर। डगन भैया काफ़ी चालू है, आग गए पतली गए, कोई बात नहीं, हम कोई इसके चिप भरोसे थोड़ी है। पर यहाँ पर भी एक पानी वाला शिप है, देखते देखते आर्मी वाले की तरह ये क्या, ये देखो ये आर्मी का तो नहीं है, इतना तो 100% है, ये कोई प्राइवेट शिप है यार, यहाँ पर कोई बंदा है या नहीं है चेक कर लेते हैं, पर बिल्कुल सिमिलर है, ऐसे लग रहा है बिल्कुल आर्मी वाला। अरे आर्मी वाला ही है भैया अपना ये। ओके उस तरफ से ना धोखा हो गया मेरे को, ऐसा लगा कि मेरे को अपने वालों मैप पे दूसरा है, ये अपने आर्मी का ही है, देखो मेरे सामने मैप आ गया ना, तो फिलहाल ये वही है। अब देखो पीछे का आइलैंड गायब हो गया, ये चीटी की लिमिट होती है, बट फिर भी मैंने सोचा कि शायद से आइलैंड वालों का है, ये अपने आर्मी का ही है। चलिए ठीक है निकलते हैं यहाँ से, अली लगी हुई है, अगर फ्रॉड के बारे में कुछ पता लगता है तो ढूंढेंगे जरूर। ड्राइवर भैया क्या करें, थोड़ी सी डार्क चॉकलेट लेने के लिए आ गए थे, ड्राइवर के बच्चों वाले शो होंगे कभी कभी, तो ड्राइवर डार्क चॉकलेट भी खा लेते, अभी क्या कर सकते हैं। ड्राइवर ये आगे निकलिए, दरअसल यहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि इन्फॉर्मेशन आई थी। ड्राइवर मेरे लाल जरा उड़ने की तैयारी करो फटाफट से, सामने देख रहे हो यहाँ पर प्यारे प्यारे कुछ बंदे हैं। अली ने यही मेरे को बोला था कि ड्राइवर सर शहर में कुछ वीआईपी बंदे आ रहे हैं, जाके चेक कीजिए ऑफिशियल है
या फिर अपने ढगन भैया को कुछ उसमें लेना देना है, जो भी आप चेक कीजिए। तो फिलहाल भाई हम आ गए चेक करने के लिए। देख रहे हो ये जो मैटर चल रहा है तगड़ा चल रहा है। अभी असली वाले हो सकते हैं, नकली हो सकते हैं। लग रही है अली नवी, मैं देखो अभी कुछ नहीं करूँगा, अटैक नहीं करूँगा। एक बार इनको मेन जगह पर पहुँचे तो फिर इनसे बस ये पूछना है कि भाई तुम ऑफिशियल VIP बंदे हो, मतलब सच्ची में कोई बंदा बाहर से आया यहाँ पे घूमने के लिए, सिक्योरिटी लेकर रखे, पुलिस की तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर ये कोई डगन का गेस्ट हुआ तो मैं इसका नेता बना दूंगा अपने तरीके से। ठीक है ट्रैवल भैया, आगे निकलिए। हेलीकॉप्टर वाले बाबा कैसा है वे नमूने, क्या कर रहे हैं तेरे दोस्त के साथ सारे ट्रैवल भैया फर्स। अरे भाई अरे 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 लैंडिंग बेकार हो गई है, सॉरी। अरे अरे भाई अबे नमूने, अरे हद हो गई है। एक तो लैंडिंग खराब है, काम इंसान की, गरीब इंसान को मतलब टक्कर मारा। ट्रैवल इसका नेता बना दूंगा भाई, मारूँ ना मारूँ मन तो बहुत कर रहा है, इसका नेता बना दूँ। खैर छोड़ो नहीं तो लड़ाई शुरू हो जाएगी। बट देखो बदतमीज देख रहे हो, एक बंदा रोड पे बढ़ा है बेचारे, टक्कर लग गई उस गाड़ी वाले, टक्कर आकर के ताज हो गई है। डेविड ने बोला ड्राइवर मेरे डाल, इनको मार मत देना, ये मैंने ही कुछ बाहर से VIP बंदे बुलाए हैं और आर्मी से हेल्प लेके इनको सिक्योरिटी के साथ बुलवा रहा हूँ। H95 वायरस के लिए हेल्प करने वाला है बंदा। मैंने बोला ठीक है तेरा बता दिया, नहीं तो मेरा तो मूड ख़राब हो गया था, मैं इस बंदे को ऊपर की सैर करवा देता भी और इसको बता देता भी क्या होता है ड्राइवर भैया को टक्कर मारने का नतीजा। दो मिनट में इसको रिजल्ट दिखाया था मैं अभी, हैंड टू हैंड लाइव एकदम बचा लिया तूने इसको। रोड पर निकलते ही रोड पर कुछ नमूने हैं जो पिटाई खाने चाह रहे हैं ड्राइवर भैया से। ड्राइवर भैया आगे निकलो, बहुत सारे बंदे भाई, मैंने सोचा लैंड करने से पहले ऊपर से भी मार लेते हैं। ये शक हुआ है कि डगन का कुछ लेना देना है। हाँ भैया इधर देखो, इधर देखो, ऊपर देखो, ऊपर पीछे पीछे की तो जरूरत नहीं है, ड्राइवर भैया ऊपर रहते हैं। आ जाओ जल्दी आ जाओ, और आओ भाइयों को भी लेकर के आओ, सबको गोलियाँ मिलेगी, ऊपर से मिल रही है प्रसाद, ऊपर से गिर रहा है, ले लो ले लो ले लो। आ जाओ बेटा आ जाओ जल्दी आ जाओ, चल 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 चल, ये ले ख़त्म, और कोई ये चल तू भी निकल, ये भी ले ख़त्म 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 एंड ये भी ख़त्म। अब लास्ट में पायलट टचअप करेगी एलियन गन, अरे गई ना बड़े, अरे मेरा कद्दू भाई कुछ नहीं होते एलियन गन से भाई। बंदे मेरे सारे सुला दिए यहाँ पर, अभी मैं निकल रहा हूँ, देखो यहाँ पर कुछ जो इन्फॉर्मेशन होगी वही ना पता कर लेगी, क्योंकि फोनों को डेटा वेटा होगा कुछ काम का तो पता लग जाएगा। हम लोग निकलते फटाफट से ज़रा अपनी गैरेज बुक से पूछताछ करने के लिए। ड्राइवर मेरे लाल बिल्डिंग कार पर निकल सकता है, निकल सकता है क्या, निकल सकता है क्या, एंड लग गई। अरे भैया पैराशूट ओपन कर, ड्राइवर भैया पैराशूट ओपन कर, नेता बन गया। अरे ड्राइवर भैया पैराशूट ओपन कर, अरे भाई 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 ये मैं जिंदगी में कभी ट्राई नहीं करूँगा, कभी ट्राई नहीं करूँगा। ड्राइवर भैया पैराशूट खोली थी क्या, थोड़ी बहुत खोली हो क्या पता, बट पॉइंट ये मैं इस कार पर कभी नहीं निकलूंगा भैया, ये दूर से खाली लग रही है, जाल है सामने, जाल के आर पार कैसे हो जाऊंगा, बड़ा धोखा हो गया। चल ठीक है ड्राइवर निकल भाई। मैंने अपनी बुक से आकर के बातें करी तो उसने लिख के दिखाया कि ड्राइवर जो बुक है इसको प्लीज़ जहाँ से लाया वहीं पर रख दो, नहीं तो ये तुम्हारी मौत का कारण बन सकती है। मैं गलत नहीं कह रही ड्राइवर, ये बहुत खूंखार चीज़ तुम लोगों ने करी है, इसको वापस ले जाओ ड्राइवर प्लीज़। मैंने बोला मेरी प्यारी प्यारी बुक मेरे हाथ में नहीं है, तू चिंता ना कर, मैं देखता हूँ सारी की सारी चीज़ें देखता हूँ। तो भैया वे क्या बोले यार, ये प्यारी बुक देखते खैर जैसे भी, वैसे बुक ने मेरे को गलत नहीं बोला, हो भी सकता है ऐसा कुछ, नहीं भी हो सकता, कोई पक्का नहीं है। बट फिर अली का फिर फ़ोन आया मेरे पास में, बोला कि ड्राइवर सर मुझे अभी अभी पता लगा कि आपको किसी ने लेटर भेजा मेरे बारे में कि मैंने आपकी वाइफ को मरवाया था, मुझे तो पता भी नहीं ड्राइवर सर कौन थी, कैसी दिखती थी, कैसी कैसी बातें हो रही है ड्राइवर सर, क्या भरोसा करते हो। मैंने बोला फालतू बात है सब, तू इन फालतों पर ध्यान मत दे। मैंने फिर अली ने को ये बोल दिया कि मेरे को बिल्कुल भरोसा नहीं है, अपने काम पर तो ध्यान दे, ऐसे तो बंदे कुछ ही भेजते रहते तो मैं हर थोड़ी बात मान लूँगा, मेरे दोस्तों को मुझसे दूर करने के तरीके हैं ये। तो अली ना खुश हो गई है, लेकिन मेरे को यही लगता है फिलहाल, मैंने उससे झूठ नहीं बोला, ट्रिक भी तो सकती है ताकि अलीना को मुझसे दूर किया जा सके, या फिर मैं उसको मरवा दूँ, या फिर देखो कुछ भी हो सकता है, मैं उसको जॉब से निकाल दूँ, ड्राइवर को उससे अलग कर रहे हैं क्योंकि वो समझदार है, वो हैकिंग बहुत अच्छे से करती है, मेरे बहुत काम आती है, बंदों को हजम नहीं होता ना। कभी कभी मुझे परेश रावल का एक डायलॉग याद आता है, ए देवा उठा ले रे उठा ले, मेरे को नहीं ह्यूमन लैब वालों को उठा ले, क्योंकि इनके बस में कुछ नहीं है भाई साहब, ये कुछ नहीं कर सकते, ये धरती के बोझ है, ये खाना खराब करते हैं, सुबह शाम खाते और बस क्या ही बोले, बस ये खाना और सोने की मशीन है बस, और कुछ काम नहीं इनको, खाते पीते सोते और निकालते हैं, बस यही काम इनका। अरे मेरे भैया जब शर्म करो, दो पैसे कमाओ इज्जत से, फ्री का पैसा मत लो ड्राइवर भैया का, बोलते हैं हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ड्राइवर सर, अरे मेरा कद्दू कुछ नहीं कर रहे, कॉफ़ियाँ पी रहे हैं, सैंडविच खाते सुबह शाम मेरे पैसों का, एक्सपेरिमेंट करेंगे इनसे। अच्छा डेविड है रोबोट, कोई खर्च नहीं करवाता मेरा,
बिजली भी फ्री की यूज़ करता है, वो बिजली का बिल ही नहीं भरता चार्जिंग के लिए अपने। तो सही में यार डगन इनसे ज़्यादा अच्छा है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, बेचारा इतनी मेहनत कर रहा है, और ये हिमालय वाले बंदे मैंने फिर बोला कोई फ़ायदा नहीं, यूजलेस बंदे भाई, ये कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। मैंने देख लिया ड्राइवर ये इसकी स्पीड कितनी तेज़ है, ये चेक करो, एक सेकंड ड्राइवर ये टक्कर नहीं मारना, काफ़ी तेज़ है, मैं इसके ऊपर खड़ा नहीं हो सकता शायद, एक सेकंड ये देखो मैंने बोला था ना मैं इसके ऊपर खड़ा नहीं हो पाऊंगा, पता क्यों, वो क्योंकि स्पीड बहुत तेज़ थी उसकी, और मैंने फिर बोला फिजिक्स बीच में आती है अगर, अरे रे रे रे, अगर मान लो आप कोई उड़ती हुई चीज़ पे लैंड कर रहे हो और वो सब तेज स्पीड में, पॉसिबल ही नहीं आप उस पे सीधे खड़े हो जाओ, गिरते सीधा पीछे जाओगे क्योंकि वो बहुत मूविंग ऑब्जेक्ट में बहुत स्पीड से, और आपकी स्पीड कम हो जाएगी एकदम, तो आपको उसकी स्पीड को बराबर रखने के लिए तो आपको उसको चिपकाना पड़ेगा अपने आप को उस पे, या कुछ भी ऐसे करके ऐसा करना पड़ेगा कि चिपकना पड़ेगा बस रस्सी से चाहे मैगनेट से, बट वैसे आप रुक ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल, बहुत मुश्किल, ट्रेन की स्पीड बहुत कम है, हम आराम से इस पर लैंड कर सकते हैं क्योंकि इसकी कोई स्पीड नहीं है, बट प्लेन इसके हिसाब से बहुत तेज़ था। चलिए ड्राइवर भैया निकलो 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 निकलो, क्या घंटे में करेगा ड्राइवर भैया, ट्रेन को देख के एरिजोना गेम याद आ गया मेरे को, एरिजोना सनशाइन का गेम था यार, क्या गेम था। गगन के कुछ बंदे माउंट शिलड पर कुछ प्लान बना रहे हैं ऐसा पता लगा है, तो मैं मारने नहीं आया, मैं सुनने आया हूँ, पता तो करे डगन भैया जी क्या कर रहे हैं, क्या क्या करना चाह रहे हैं। ड्राइवर भैया ज़रा फटाफट से आगे बढ़िए, देखे तो सही क्या चल रहा है, आगे आ जाओ आगे आ जाओ आगे आ जाओ आगे आ जाओ, बहुत बढ़िया, ओके ठीक है। अरे मेरे लाल कैसा टक गया, एक तो मैंने फिर बोले पता नहीं चलता, अरे भाई जाना नहीं है मेरे को आर पार निकलना है, बस बस जाना भैया इस ट्रेन में, नहीं तो ड्राइवर भैया फिर बाहर नहीं निकलोगे, बस पसंद में आए थे तो सही से आइडिया लग जाता है, तो ठीक है भाई बंदे कॉफ़ी पी रहे हैं करने दो, यहाँ पे खड़ा आता हूँ देखते क्या बोले, एक बेस के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली है तो ठीक है, चलिए जाकर के चेक करते हैं। ट्रे भैया सर आगे की तरफ निकलिए, लेट बिल्कुल मत कीजिए, बेस पर निकलते हैं, जंगल के एरिया की तरफ शायद से एक वोल्ट मिलेगी, उस वोल्ट के अंदर शायद से कुछ है, देखते हैं क्या, तो कोई ऐसा डेटा हम लोगों को मिल जाए कुछ काम आ जाए, तो चलिए भैया जैसे हमारे लोकल में कोई ऐसा पहाड़ नहीं है, नहीं तो भाई हम भी चलें कैंपिंग वगैरह करने के लिए किसी दिन को, बट है ही नहीं यार अपने एरिया में, एक है दिल्ली का पहाड़ वो कचरे से ढका हुआ है भाई साहब, वहाँ पर कूड़ा ही डालते हैं बंदे, वहाँ पर तो आप खड़े हो जाओ वही बहुत बड़ी बात है, बदबू नहीं आएगी, मतलब कि आसपास में ऐसा कोई एरिया नहीं है, सीधा फिर तो भाई दूर की तरफ देहरादून की तरफ पड़ता है बस पहाड़ी इलाका, अपने एरिया में नहीं है, अगर होता तो मज़ा आता, जैसे लॉस सैंटोस का शहर देखो ज़्यादा दूर नहीं है, सामने शहर है इतने दूर पहाड़ है, मतलब बंदा 15 मिनट में आ जाएगा, तो ऐसा अपने पास नहीं ना कोई एरिया जो 15 मिनट में पहाड़ पर चढ़ जाए बंदा घूमने के लिए, चलो भाई आज पहाड़ पर चलते घूमने के लिए, कोई बात नहीं। चलिए ड्राइवर जी, हेलो आंटी जी, क्या मेरे को ऐसे देख रही है, ऐसे देख रही है, ये क्या चल रहा है, ये ड्राइवर भैया ये वॉच कब ऑफ हो गई यार, वॉच ऑफ थी, मैंने फर्स्ट पर्सन हटाया तो सही बोलूँ हेलो कैसे फ्रीज हो गई, मैं कौन सा मारने वाला हूँ तुम दोनों को, भाई इनका रिएक्शन देख रहे हो आप, ये देखो ऐसे देख रहे थे डर गई है, भूत देख लिया और बस फ्रीज, और वो पीछे वाली भी फ्रीज, अरे ये क्या हो गया, ना भाग रही ना बात कर रही ना बोल रही, बस घूरे जा रही है दोनों, भूत देख लिया, ड्राइवर ही तो हूँ मैं, इससे खतरनाक रिएक्शन मैंने पूरे GTA में आज तक कभी नहीं देखा भाई, इतने साल हो गए GTA खेलते, बट इतना फनी रिएक्शन दे रही है दोनों की तरफ मुझे देख करके, ये देखो सेल्फी ले करके जम गई है, तो वो मुझे घूरे जा रही है बैग के ऊपर हाथ लगा के ऐसे, मतलब जैसे फ्रीज कर दिया हो मैंने इनको, अमेजिंग रिएक्शन दोनों का, समझी मैं, मेरे को अच्छा लगा तुम दोनों को देख करके, ठीक है ट्राई भैया बाइक को रोफ कीजिए, ये लड़की तो कमाल है सही में, फोटो लो फोटो मुझे क्या घूर रही हो, ठीक है ट्राई भैया निकल, मैं पहुँच चुका हूँ, सोच रहा हूँ एलियन गन को निकाल के फाइनली बंदों को ध्यान कर देता हूँ, टाइम नहीं है भाई इतना कि मैं इन सभी बंदों को बहुत टाइम लगेगा मारने, मतलब कि नॉर्मल गन से बहुत टाइम चला जाएगा। ड्राइवर भैया आराम से, अबे भाई मिस हो गई वैसी गिनती गोली है, अबे ड्राइवर कहाँ मार दी, हेलो बैठे, चलिए फटाफट से बंदे खत्म, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, अबे एक तो पैसे देने चाहिए मुझे, मैंने तुम लोगों को बिना पावर्स के सुपर हीरो बना दिया, क्रिश बना दिया मैंने तुम लोगों को, उड़ रहे हो तुम देख रहे हो, है ना बोले, तो ठीक है बंदे तुम मर गए ना, बढ़िया, चलो इनको बाद में ऊपर वाले को बाधे मारेंगे, अभी ज़रा फटाफट से निकलते हैं, वोल्ट ये रहा, ड्राइवर भैया नीचे निकलिए, इतना तो है बंकर है बट कुछ भी नहीं है, ड्राइवर भैया लगता है हमारा किसी ने बना दिया, या फिर बनाया भी नहीं है बस कुछ नहीं है यहाँ पर, ये कौन सा लॉजिक है भैया, गिलास में गोली मार दे तो गिलास फट फट जाता है, तो ठीक है, मतलब वैसे भी यार पेपर गिलास था, पेपर गिलास कब से फटने लग गया, और लो भाई नॉर्मल गिलास स्टील का है, आइए कंप्यूटर भाई ये डिस्प्ले फूटी है पहली बार, नहीं तो बहुत से तो लैपटॉप वगैरह की डिस्प्ले कभी टूटती है GTA 5 में, वो नहीं टूटती भाई, उसमें सिर्फ क्या होता है गोली मारे जाओ मारे जाओ मारे जाओ, कुछ नहीं होता, सीमेंट की तरह रिएक्शन आता है सीमेंट में गोली मार रहे हो, बट ये तो चीज़ फटी है,
टीपू में भी कुछ होना चाहिए था। अरे हो जाता भैया, कुछ नहीं होगा। ठीक है निकलते यहाँ से भाई, चलिए टाइम वेस्ट हो गया। मैंने बोल दिया कुछ नहीं मिला, बंदे पता नहीं क्या बात कर रहे थे क्या नहीं करी, बट जिस चीज़ के लिए सोचा था वो चीज़ नहीं मिली। बड़ी अमेजिंग गन है। कौन सी गन है भाई? लोग वो पबजी बहुत खेलते हैं। देखो मेरे को ज़्यादा गन के नाम पता नहीं है, क्योंकि मैं पबजी वगैरह कम खेलता हूँ, क्योंकि पबजी से ही बहुत सारे गन्स के नाम लोगों को पता लगे हैं। सही बात है भाई, इतने नाम गन के लोग पहले नहीं जानते थे जितना पबजी एंड फ्री फायर खेल के बंदों को नाम पता लगा है गन का। ये रियलिटी है, मेरे को खुद नहीं मालूम था, बट पबजी में सभी गन्स के नाम आते हैं ना, तो उसके हिसाब से सभी बंदों को ज़्यादातर गन के, एमओ के, स्कोप के, मतलब आप तो हर चीज़ के बारे में पता लग चुका है। तो बताइएगा ये कौन सी गन है। देखो दिखने के मेरे को AKM की तरह लग रही है थोड़ी थोड़ी, यहाँ से इसका स्टाइल AK-47 की तरह है, बट आगे से थोड़ी अलग है एंड पीछे से थोड़ी अलग है। ऐसे AK-47 मिल सकती है, क्योंकि AK-47 एक टाइप की नहीं आती, उसमें बहुत सारी वैरायटी आती है। ठीक है ट्रैवर भैया निकलो। लास्ट टाइम मेरी प्यारी भैंस के पास अब पहुंच चुका हूँ। मेरी भैंस ने मुझे बुलाया था रात के टाइम, बोल रही है ट्रैवर भाई आ जाओ ना। मैंने बोला आ रहा हूँ मेरी प्यारी भैंस, बोल क्या दिक्कत परेशानी है। बोल रहा है ट्रैवर कुछ नहीं यार, आज मैं बहुत उदास हूँ। चलिए कोई बात नहीं। अरे लेस्टर मेरी प्यारी बकरी, भैंस तो गलत बोल दिया मैंने तेरे को, तो मेरी बकरी है ना, क्या हो गया आजकल कोई दूध नहीं लेता तुझसे। अरे रे रे दुख की बात है, बोल क्यों बुलाया मुझे। बोलता है यार लेस्टर की हाइट जब से बड़ी है ना, इसके दोनों पैर से सीधे कर लिए, तब से लेस्टर बहुत ऊंचा लगने लग गया मेरे को। नहीं तो पहले लेस्टर देखो यहाँ तक आता था, ऐसे देखना पड़ता था, अब लेस्टर को ऐसे देखना पड़ता है। ड्राइवर की हाइट से ऊपर ही जा रहा है, ये देख रहे हो ड्राइवर से लंबा है लेस्टर। अरे भाई क्या देखना पड़ रहा है, देखो थोड़ा सा हाइट फर्क होगा बस, ड्राइवर के बाल के स्टाइल की वजह से ड्राइवर ऊंचा लग रहा है, नहीं तो बराबर हाइट है भैया दोनों 6 फुट के है। अरे कैसे यार, अबे तू 5.5 का था, 5 इंच तूने हाइट, मतलब कि 5 से ज़्यादा ही बढ़ा ली यार तूने, 0.5 फुट हाइट कैसे बढ़ाई बे, मेरे को बता दे तरीका। 5.5 का बंदा 6 का लग रहा है अब, इसको कहते हैं रियल टैलेंट, द नीली आंखों का टैलेंट। हाँ भाई बोल ना मुझे। लेस्टर बोल रहा ट्रेवर भाई मजाक बाद में करना, डगन के कुछ बेसिस के बारे में ढूंढना है मैंने, उनमें उसका पैसा है एंड गोल्ड है, क्या करना है। मैंने बोला करना कुछ नहीं है, जला देना है, पैसा हमें लूटना नहीं है, डगन के तो दिल पे चोट मारनी है, इसका पैसा तो मैं जलाऊंगा दिखाने के लिए, बाद में थोड़ा सा ले भी लेंगे, वैसे भी कोई ज़रूरत नहीं है पैसा होता आज की डेट में ड्राइवर के पास में। इसका पैसा तो मैं जलाऊंगा क्योंकि इसने मेरे को दुख दिया है। दिखाऊंगा थोड़ा टाइम के लिए कि ड्राइवर से पंगा लिया, वैसे पंगा बहुत सालों से लेके रखा भैया, आज की बात ही नहीं है। ड्राइवर निकलो। पहुंच गया था मैं डगन भैया के प्यारे से हैंगर में, आग लगा दी है, थोड़ी देर में बढ़ जाएगी, फैलते फैलते बहुत दूर तक पहुंच जाएगी, माल बहुत सारा है वैसे आप देख रहे हो। बट मैंने फिर बोला ड्राइवर जो अपने गुस्से पर होता है ना, एंड जब इसको लगता है कि टारगेट को दी एंड कर रहा है, तो उस टाइम ड्राइवर ना पैसा देखता ना कुछ देखता, बस देखता है सामने टारगेट है। ड्राइवर की बात मेरे को सबसे अच्छी लगती है, लालची नहीं है बिल्कुल भी कि भैया मेरे को पैसा लेना है यार, बहुत बार ईगो वाला सवाल होता है, ईगो पे बात आती है, तो उस वक्त ड्राइवर पैसा वैसा कुछ नहीं देखता, उस वक्त देखता है दुश्मन की कमर तोड़ना अच्छे तरीके से। मैं चाहूँ तो इनको लूट के लेके जा सकता हूँ, पैसा बढ़ जाएगा, पर डगन को सबक सिखाना ना कि जब ट्रेन अपनी पर आता है ना, तो बेटा कितना ही पैसा दे ले कुछ नहीं कर पाएगा। तो ठीक है चलिए आग फैल जाएगी, डगन के 200 मिलियन की एक क्रेट है, एंड अभी वो क्रेट दी एंड हो जाने वाली है, मजा आएगा, बहुत पैसा है भाई, आप देख रहे हो कितनी क्रेट से और 200 मिलियन एक में, कई बिलियन है यहाँ पर पैसा, इतना पैसा है कि H95 वायरस कितनी बार हम खरीद सकते हैं, मतलब उसको क्योर। अब देखना है कि डगन भैया ने उस वायरस को क्योर बनाया नहीं बनाया, क्योंकि डगन का ये वायरस है बहुत चालू था नमूना, पता नहीं क्या करके रखा है क्या नहीं उस वायरस के साथ उसने, जो हम उसका तोड़ ही नहीं ढूंढ पा रहे यार। एक आम माफिया, एक आम नॉर्मल डगन जो कल तक छुहारे की तरह मेरे साथ रहता था, उसमें इतना दम कैसे आया कि वो एक इतना खतरनाक वायरस बना दिया, जिसको डेविड नहीं हरा पा रहा, जिसको लॉस सैंटोस के इतने खूंखार साइंटिस्ट, समझदार साइंटिस्ट नहीं हरा पा रहे, क्या किया भाई डगन ने ऐसा। पहुंच चुका हूं मैं दूसरी जगह पर, यहाँ पर उसका कुछ गोल्ड था एंड कुछ डायमंड्स भी थे। ड्राइवर तो अपनी पर आ गया, अब डगन को मैं गुस्सा दिला रहा हूँ बहुत तगड़े वाला, इसी करना ज़रूरी है क्योंकि ड्रैगन का जब डगन का पैसा चलेगा तो गुस्सा करेगा ज़्यादा ज़्यादा, एंड उसके बाद में क्या पता मिलने के लिए आए या फिर कुछ एक्शन करे जिससे मेरा कुछ फ़ायदा हो जाए, क्योंकि वो छुप गया भाई एकदम से, और जब तक उसको मैं ढूंढूंगा नहीं तब तक प्रोग्रेस आगे बढ़ेगी नहीं, इसलिए मैंने उसका सारा माल चला दिया। आ जा बेटा डगन, करोड़ों का, अरबों का, खरबों का माल है, अरबों का भी नहीं है, इतना माल जलेगा तो तेरी को थोड़ी सी तो जलन होगी, गुस्सा आएगा, और मैं चाहता हूँ तुझे गुस्सा आए ताकि तू गुस्सा आकर के उतारे और मुझे दिखा दे मेरे भाई अपना गुस्सा, बस अपना काम बन जाएगा। ड्राइवर भैया ज़रा फटाफट से यहाँ पर आ जाइए, लगन भैया जी आ जाइए यार, क्यों नखरे कर रहे हो। मैंने सारे काम कर दिया, अभी मैं घर पर निकलता हूँ, एंड रोज़ा बोल रहे ड्राइवर कोई बात नहीं, जो हो गया सो गया, रेस्ट कर लो,
हम देख लेंगे सारी सारी चीज़ें। छोटे तो घर पर निकलते हैं, रेस्ट करते हैं, रात का टाइम वैसे भी काफ़ी हो चुका है भाई, कल की कल देखी जाएगी। अगर मैं जो किया हुआ था आपको बताइए, सुबह देख लीजिए अगर आपने एपिसोड चेकआउट नहीं किया, उसने बहुत बुरे बुरे काम मेरे साथ करके रखे हुए हैं, जो भी आगे आपको एपिसोड पता लग जाएंगे। बस अभी तक हमें यह पता लगा है वो गद्दार है। अभी तो आप देखेगा तो शुरुआत हुई डगन के दौर की, कि डगन बहुत खतरनाक इंसान है यार, जो कभी आपने इमेजिन नहीं करा था ना डगन, वो अब की बार आप देखेगा। ऐसा डगन आपने कहीं नहीं देखा होगा, किसी भी वीडियो में, किसी भी यूट्यूब के वीडियो पर कहीं नहीं आपको डगन ऐसा देखने को मिलेगा जैसा डगन अब की बार आपको देखने को मिलेगा। ऐसा रूप आपको कहीं नहीं मिलेगा डगन का देखने का जैसा मैं आपको दिखाऊंगा। रहे होइए, चलो ठीक है, निकलिए घर पर आराम से एंड रेस्ट कीजिए। तो बस मेरे भाई, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।